raheem assalamu alaikum i hope you all are fine and safe it's countdown third edition book three oxford series based on single national curriculum 2020 and we have a chapter number one and it is whole number and page number is 24 ओके वी हैव अ पेज नंबर ट्वेंटी फोर तो आज हमारे पास है पेज नंबर ट्वेंटी फोर आज का हमारा टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है स्किप काउंटिंग ऑफ फोर डिजिट नंबर्स तो गाइस पेज नंबर ट्वेंटी थ्री में अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिटेल से बता चुकी हूँ पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ए स्किप काउंटिंग इन फोर्स एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स ओके okay, तो हमने फ़ोर नंबर स्किप करने हैं और हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं हमने इसको सॉल्व करना है क्लियर हो गया तो अब हमने फोर नंबर स्किप करने हैं तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है फोर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है अपनी आसानी के लिए वन टू थ्री एंड फोर क्लियर हो गया तो हमारे पास अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमने नंबर का लास्ट डिजिट चेक करना है हमारे पास ये फोर नंबर्स हैं वन टू थ्री फोर फोर डिजिट का एक नंबर है ठीक है तो हमने लास्ट डिजिट हर एक नंबर का चेक करना है तो यहाँ पर हमारे पास है फोर अब फोर के बाद हम लोग फोर टाइम्स काउंट करेंगे फाइव सिक्स सेवन एट तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है एट जो कि है फोर्टी क्लियर हो गया अब उसके बाद एट के बाद दोबारा काउंट करें नाइन टेन एलेवेन ट्वेल्व तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्वेल्व क्लियर होगा गाइस अब यहाँ पर ये टू डिजिट नंबर है ठीक है तो आपने टू डिजिट नंबर को ही लेके लेके चलना है आपने इसी को ही देखना है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्सटीन सिक्सटीन के बाद काउंट करें सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वेंटी फोर्टी एट हमारे पास यानी इसी तरह से एज़ इट इज़ आता जाएगा फोर्टी एट हम पहले से लिख लेते हैं अब ट्वेंटी के बाद फोर टाइम्स काउंट करते हैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्वेंटी फोर फोर्टी एट हम लोग देख रहे हैं कि उसी तरह सेम एज इट इज़ आ रहा है तो हम एक नंबर यहाँ पे एक और लिखते हैं जो कि हमारे पास क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक और ब्लैंक है तो फोर्टी एट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा ट्वेंटी फोर के बाद काउंट करते हैं ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी एट जो कि क्या नंबर बन गया फोर्टी एट हंड्रेड ट्वेंटी एट क्लियर हो गाइस ये बहुत ही ईजी ट्रिक है आप लोगों ने जस्ट फोर लाइन्स ड्रॉ करनी है अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे सिक्सटी हंड्रेड यानी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी फोर अब 24 के बाद आप काउंट करें आप चाहे तो एक नंबर को भी ले सकते हैं लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल हो रही है तो आप टू नंबर्स को लेके चलें ठीक है लास्ट टू नंबर्स को तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 24 अगर आप एक नंबर को लेके चलते हैं तो भी ठीक है अगर फोर को लेके चलें फोर के बाद फोर टाइम्स काउंट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर एट अब एट के बाद फोर टाइम्स काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो हमारे पास ट्वेल्व टेन टू डिजिट नंबर है तो टू डिजिट में हम अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास टू है तो ये चेंज हो जाएगा वन नंबर इसमें ऐड हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमारे पास एट के बाद आ रहा है ट्वेल्व तो हमारे पास वन आ रहा है बीच में तो हमारे पास वो यहाँ पे टेंस में ऐड हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा थ्री और यहाँ पे टू साथ में आ जाएगा यानी थर्टी टू अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो आप लास्ट टू डिजिट्स को देखें तो ट्वेंटी -एट के बाद काउंट करते हैं ट्वेंटी 30, 31, 32. तो 60 गाइस हमारे पास सेम एज़ इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 32. क्लियर हो गया आप 60 हम लोगों ने देखा कि एज़ इट इज़ आ रहा है तो हम यहाँ पर सारा 60 लिख देते हैं ये मैंने लिख लिया 60. यहाँ पर लास्ट टू डिजिट्स क्या हैं 32. 32 के बाद हमने फोर टाइम्स फिर से काउंट करना है 33, 34, 35, 36. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36. उसके बाद काउंट करते हैं 36 के बाद थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी क्लियर हो गाइस अब यहाँ पे फोर्टी फोर लिखा हुआ है फोर्टी फोर के बाद हम लोग फोर काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी एट बहुत ही इजी ट्रिक है गाइस आप लोगों ने जस्ट फोर लाइंस ड्रॉ करनी है और लास्ट टू डिजिट्स को लेके चलना है बाकी शुरू वाले डिजिट्स आपके पास सेम एज इट इज़ आते जाएंगे तो गाइस ये आप लोगों ने खुद करना है उसके बाद पार्ट डी पे आते हैं नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सिक्स के बाद काउंट करें नाइन्टी सेवन नाइन्टी और ये हो जाएगा हंड्रेड ठीक है यानी हंड्रेड में ही है अब हंड्रेड क्या है मेरे पास थ्री डिजिट नंबर है अब थ्री डिजिट पे आते हैं थ्री डिजिट हमारे पास क्या है हंड्रेड उसमें हम यहाँ पे चेक करते हैं वन पहले से लिखा हुआ है तो हंड्रेड हमारे पास यहाँ पे नाइनटी सिक्स के बाद एक और ऐड हो रहा है तो वो वन मिलके और ये वन क्या हो जाएगा अप हो गए क्या हो जाएंगे टू हंड्रेड हो जाएंगे क्लियर होगा गाइस क्योंकि अगर हम लोग थ्री डिजिट्स को देखें तो वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स में अगर हम लोग फोर नंबर्स का ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे टू हंड्रेड आता है ठीक है ये दोनों तरीकों से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि अगर लास्ट टू डिजिट्स को आप लोग देखते हैं तो 96 के बाद 100 आता है जो कि हमारे पास थ्री डिजिट नंबर है तो वो थ्री डिजिट आपके पास यहाँ पे यह, हंड्रेड्स में वन ऐड हो जाएगा तो ये हमारे पास वन ये वाला इट इज आ जाएगा और इस वन में एक वन ऐड हो गया है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू क्लियर हो गया अब 200 के बाद यहाँ पे जीरो जीरो है अब यहाँ पे अगर हम लास्ट वाला डिजिट भी देखेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा जीरो के बाद फोर टाइम्स अगर काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा फोर अब फोर टाइम्स और काउंट करेंगे तो हमारे पास वन टू जीरो एज इट इज आएगा और फोर के बाद क्या आ जाएगा एट क्लियर हो गया अब लास्ट टू डिजिट को लेके हैं टू डिजिट को लेके चलना बहुत इजी होता है तो ये क्या है जीरो एट जीरो एट का मतलब क्या होता है एट क्लियर हो गया गाइस अगर हम किसी भी नंबर से पहले जीरो लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो इसीलिए अगर मैं जीरो एट को काउंट करूँ तो ये क्या हो जाएगा एट तो एट के बाद फोर टाइम्स काउंट करें नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो ये हमारे पास ये वाला ट्वेल्व एज इट इज और ये जो हमने एट के बाद फोर टाइम्स काउंट किया वो वाला ट्वेल्व अब इस टू डिजिट को लेके और चलना है हमने फोर टाइम्स फिर से काउंट करना है अगर हम ट्वेल्व को काउंट करें ये वाला ट्वेल्व मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया अब मैंने ट्वेल्थ के बाद फोर टाइम्स और काउंट किया तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यानी हमारे पास क्या आया सिक्सटीन अब हम लोग ट्वेल्व एज इट इज़ फिर से लिखेंगे और सिक्सटीन के बाद काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो हमारे पास ये बन जाएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी या ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्लियर होगा गाइस ये बहुत ही ईजी है यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और कर, क्वेश्चन करवा देती हूँ देखिए 88 लिखा हुआ है लास्ट डिजिट क्या है 88 अब 88 के बाद अगर हम लोग फोर टाइम्स काउंट करें तो क्या आ जाएगा 89 90, 91 एंड 92 टू तो थर्टी टू आ जाएगा और यहाँ पे आएगा नाइन्टी टू 32 थर्टी टू इज और नाइन्टी टू के बाद काउंट करेंगे फोर टाइम्स नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव एंड नाइन्टी सिक्स तो यहाँ पर आ जाएगा नाइन्टी सिक्स अब नाइन्टी सिक्स के बाद अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास हंड्रेड आता है तो कि थ्री डिजिट नंबर है तो हम लोग यहाँ पर हंड्रेड्स में चेक करेंगे टू लिखा हुआ है अब हंड्रेड है वन टाइम्स है तो हम इसमें टू में वन ऐड कर देंगे जो कि थ्री हंड्रेड बन जाएगा ये वाला थ्री एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा टू की जगह थ्री यानी थ्री हंड्रेड बन गया क्लियर होगा गाइज अब हम लोग देखते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ट्वेल्व हंड्रेड में सेम एज इट इज यहीं पर है थर्टी थ्री हंड्रेड अब इसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा थर्टी थ्री एज इट इज और ज़ीरो एंड थ्री क्यों गाइस क्योंकि थ्री हंड्रेड के बाद ये जीरो है जीरो के बाद अगर हम थ्री फोर टाइम्स काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर सॉरी ये फोर आ जाएगा ठीक है अब ये टू ब्लैंक्स आप लोगों ने खुद करनी है जो कि बहुत ही ईजी है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं फाइव थाउजेंड सिक्स आप सिक्स के बाद फोर टाइम्स काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा सेवन एट नाइन टेन जो कि टू डिजिट नंबर है तो यहाँ पर हमारे पास एक ज़ीरो आएगा और ये ज़ीरो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा ये बन जाएगा टेन क्लियर होगा गाइस अब टेन के बाद फोर टाइम्स अगर काउंट करें तो हमारे पास फिफ्टी इज आ जाएगा और टेन की जगह क्या आ जाएगा फोर्टीन अब इस तरह से फिफ्टी इज और फोर्टीन के बाद क्या आ जाएगा एटीन ये होता है ठीक है गाइज अब यहाँ पर आ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू के बाद हम लोग अगर फोर टाइम्स काउंट करें फिफ्टी इज आएगा और ट्वेंटी टू के बाद क्या आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक यानी फोर टाइम्स हमने स्किप करना है फोर टाइम्स हमने जंप करना है नंबर के उसके बाद हमने नंबर्स लिखना है बाकी की ब्लैंक्स जो यहाँ पर सॉल्व नहीं हुई हुई आप लोगों ने खुद करनी है और ये सॉल्व करके मैं इसकी पिक्चर आप लोगों के साथ एंड पे शेयर कर दूंगी आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा अपना बहुत सारा ख्याल रहेगा दुआ में जरूर याद रखें है। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़